हेलो गुड मॉर्निंग कैसे आप लोग सभी लोग के एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं एकदम शानदार हैं मैं भी ठीक हूं भाई सिवा बिल्कुल बढ़िया हूं मैं भी तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे एल्टीट्यूड्स के बारे में शीर्षलम के बारे में पढ़ रहे थे यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना हम लोग जो पढ़ रहे थे वो एल्टीट्यूड्स के बारे में पढ़ रहे थे किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हम लोग एल्टीट्यूड उसको लो बोलते हम लोग शीर्षलम किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड या शीर्षलम और जो अपने पास एल्टीट्यूड होता है जहां पर तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जिस बिंदु पर प्रतिषेध करते हैं उसको हम लोग यहां पर बोलते हैं ऑर्थोसेंटर यानी कि लम के अंदर ऑर्थोसेंटर यानी कि लम के अंदर हम लोग बोलते हैं यहां से इसको से, ये जो अपने पास है ओर्थोसेंटर इस पर बना जो एंगल होगा तीन नंबर पॉइंट जो था अपने पास बी ओ सी अगर कभी भी फाइंड आउट आपको करना है एंगल बी ओ सी तो वो अपने पास होता है 180 डिग्री माइनस अपने पास एंगल ए ये अपने पास ऑर्थो सेंटर है अगर आप लोगों को याद हो तो ये पॉइंट मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था चार नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को यह पढ़ाया था कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तो बनता है अंदर की तरफ राइट एंगल ट्रायंगल में उस वर्टेक्स पर बनता है जहां पर कौन कितने डिग्री हो 90 डिग्री जबकि ओप्टूज में निकल जाता है बाहर ऑप्ट्यूज एंगल ट्रायंगल जो होता है उसमें ओर्थोसेंटर अपने पास बाहर निकल जाता है उम्मीद है आप लोगों को प्रत्येक बच्चे को यह पॉइंट पता होगा छह नंबर पांच नंबर पॉइंट मैंने को यहां पर ये एक्यूट ऑप्टिव राइट में मैंने एल्टीट्यूड की लेंथ निकालना बताया था और राइट एंगल ट्राइंगल में जो एल्टीट्यूड की लेंथ निकालनी थी ए बी और सी तो यहां से अगर एल्टीट्यूड आप लोग डालते हो तो बी डी की अगर लेंथ अगर आपको निकालनी थी तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था

छह नंबर पॉइंट हम लोगों ने ये देखा था अगर आप लोगों को याद हो तो कि अगर कभी भी इसके ऊपर एल्टीट्यूड के ऊपर कोई भी पॉइंट है ए बी सी कोई एल्टीट्यूड है और इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट पी है इस पर कोई भी पॉइंट है कहीं पर भी हो सकता है तो हम लोगों ने यह समझा था कि ए बी स्क्वे प्लस अपने पास सी पी स्क्वायर बराबर अपने पास होगा ए सी स्क्वायर प्लस अपने पास बी पी स्क्वायर ये अपने पास इक्वल होगा उम्मीद है आप लोगों को याद होगा सात नंबर पॉइंट मैंने आप लोगों को यह समझा दिया था कि अगर अपने पास दोनों एल्टीट्यूड एक दूसरे को अगर इस प्रकार से ए बी और सी ये ए डी ये है बीई और ये है अगर अपने पास सी एफ बीई और ये सी एफ अगर है एल्टीट्यूड ओ पर अगर मिले तो अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कहा था एओ इंटू ओ डी बराबर बी ओ बराबर होता है अपने पास सीओ ओ ओ और तीन एल्टीट्यूड देकर दो एल्टीट्यूड देकर तीसरा एल्टीट्यूड पूछे तो उसकी रेंज हम लोग निकाल सकते हैं पी वन इंटू पी थ्री अपॉन पी वन माइनस पी थ्री और यहां से P1 into P3 upon P1 plus P3 इस प्रकार से P1 plus P3 और यहाँ पर P1 minus P3 ये आठ पॉइंट मैं कल की क्लास में आपको समझा कर चला गया था आज मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं लेकिन उससे पहले मैंने आठ पॉइंट आप लोगों को याद करवा दिए इसमें टोटल दस ग्यारह पॉइंट हैं ये आठ पॉइंट मैंने आपको याद करवा दिए हैं बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या हाँ और ना बताओ सभी लोग तो आगे हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर आठ के बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग लेकर चलते हैं आपको पॉइंट नंबर पास यहां पर नाइन आज की क्लास कल की चीजें मैंने रिवाइज करवाई ताकि चीजें आपको प्रत्येक बच्चे को अच्छे से ढंग से बढ़िया तरीके से याद हो जाए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और चीजें हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं एक ट्रायंगल अपने पास ए e, बी और सी एक त्रिभुज है एक ट्राइंगल अपने पास ए बी और सी ध्यान से समझने की कोशिश करना यहां पर आप लोग सभी लोग एक ट्राइंगल है ए बी और सी इस वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास एल्टीट्यूड होगी इस से नब्बे डिग्री का कोण बनाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास एल्टीट्यूड होगी और इस वर्टेक्स से नब्बे वो अपने पास एल्टीट्यूड होती है और एक ट्राइंगल के तीनों एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओरथो सेंटर बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या तो यहां पर आप लोग याद रखना मैं आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि जैसे ही आप लोग ई e से डी को अगर आप लोग मिला देते हो ये अगर आप लोग मिलाते लो हो तो याद रखना ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है ये इसका कोण समद्विभाजक होता है जैसे ही आप लोग इसको इससे ज्वाइन अगर करते हो तो याद रखना ये इसका एंगल बाइसेक्टर होता है ये चीज आपको समझ में नहीं आएगी इसको याद करना आपको ये अपने पास हमेशा और हमेशा इसका एंगल बाय होता है ये चीज आप लोग ध्यान रखना मैं समझा तो देता हूं कोशिश करता हूं समझाने की लेकिन इस चीज को आपको याद रखना है समझ में कम आएगी ये पॉइंट लेकिन आपको याद रखना है कि जैसे आप लोग इसको इससे मिलाओगे ये इसका एंगल बाय होता है ध्यान रखना एक बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आ चुका है तो आप लोग याद रखेंगे सभी बच्चे इस चीज को मैं एक बार समझाता हूं आपको देखिए कि ऐसा होता क्यों है यहां पर दो चीजें आप लोग याद रखना दो पॉइंट आप लोग याद रखना सभी लोग क्या याद रखना आपको कि जब भी अगर कभी भी अपने पास कोई भी क्वार के चारों वर्टेक्सर्किल की सरकम पर हो यदि किसी क्वाड्रेटल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकम पर अगर है तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रेटल बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं ध्यान रखना आप लोग अगर किसी क्वाड्रेटल के चारों वर्टेक्स सर्किल की सरकम पर अगर है तो उसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं और चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज के विपरीत कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा और इसका उल्टा भी एकदम ठीक है ये जो अपने पास है है इसका उल्टा भी एकदम ठीक अगर किसी क्वाड्रेटल के विपरीत कोणों का योग 180 डिग्री है तो उसके बाहर से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं याद रखना अगर इन दोनों का सम अगर वन है और इन दोनों का सम भी अगर वन है तो हम लोग बाहर से खुद से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं कि अपने पास चारों चारो से टच होकर जाएगा इस प्रकार से हम लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं दोनों तरफ से बिल्कुल ठीक है याद रखना आप लोग सभी लोग जो पॉइंट में समझाते हुए जा रहा हूं उसको आप लोग ध्यान से सुनिए यहां पर अपने पास यदि कभी भी अपने पास ये जो है अपोजिट अगर चारों वर्टेक्स सर्किल के सरकमफ्रेंस पर अगर है तो फिर अपने पास अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है और अगर पहले से दिया हुआ अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो ध्यान रखना लाइन अपने पास पैरेलल होगी ये चीज आप लोग सॉरी चारों वर्टेक्स सर्कल की सरकम आर के मीणा पूछ रहा है कि एक्स भी पैंतालीस वाई भी पैंतालीस और जेड भी पैंतालीस बहुत शानदार क्वेश्चन पैंतालीस पैंतालीस नब्बे तो ये हो गया नब्बे ये हो गया और नब्बे ही अपने पास ये हो गया इसका मतलब क्या अपने पास आर के मीणा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो डिग्री होता है क्या भाई आप खुद ही सोचिए दोनों पैंतालीस पैंतालीस अपने पास कैसे होंगे मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई कि ये दोनों अपने पास ये वाला और ये वाला इक्वल है तो दस दस भी हो सकते हैं बीस बीस भी हो सकता है तीस तीस भी हो सकते हैं ये बाहर वाले का एंगल बाई सेक्टर थोड़ी ना है। ये जो ऐसे मिलाते हो ये अंदर वाले का एंगल बाई सेक्टर है इस नब्बे को बराबर बराबर ये एंगल बाई सेक्टर थोड़ी ना भाई खुद से ही क्या याद कर रहे हो आप आप थोड़ा सा उसके आगे भी याद क्या करो पहली बात ध्यान से समझना सारे बच्चे मैं आपको ये आएगा साइक्लिक क्वाड्रेटल क्वाड्रेटल में आएगा अपने पास अभी आप लोग इतना याद कर लीजिए मैं आपको आगे का क्योंकि अगर आप लोगों को देखना है कैसे आया तो उस चीज के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अपने पास यहाँ पर ये जो होगा अब मलकीत जो कह रहा है वो कह रहा है पैंतालीस बटे दो होगा भाई वो और थोड़ा और ज्यादा इंटेलिजेंट देखिए कि वो उसको समझा रहा है कि 45 भाई 45 बटे दो पैंतालीस बटे दो तो 45 हो गया 45 हो गया 45 हो गया तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 135 होना ना था तो वो फिक्स नहीं है यहाँ पर क्या होगा वो 10 10 भी हो सकता है वो 20 20 भी हो सकता है वो 40 40 भी हो सकता है वो 80 80 भी हो सकता है मलकित भाई आप किसी को समझाना रहने दिया करो आप तो यहां पर ये चीज देखिए जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं वर्टेक्स सर्किल की सरकम पर है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है अपोजिट एंगल का सम 180 है तो बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हो पहली बात दूसरी सर्किल की ही एक प्रॉपर्टी है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है कि एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सर्कम्फ्रेंस ये जो आर्क है इसके द्वारा रिमेनिंग से इस परिधि पर कहीं भी कौन बने वो हमेशा और हमेशा बराबर होता है एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर जहां मर्जी आए कोण बनाइए एक ही चाप अगर है उसके द्वारा शेष परिधि पर बने जो कोण होते हैं वो हमेशा और हमेशा बराबर होते हैं ये आप लोग याद रखना ये आप लोग ध्यान रखना मलकित कह मैं टीचर हूं दो पॉइंट यहां पर मैंने याद करवाया है अगर अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो बाहर से अपने पास साइकिल हम लोग खींच बाहर से हम लोग एक सर्किल हम लोग खींच सकते हैं जिसको साइक्लिक क्वार बोलते हैं और यदि अपने पास एक ही ये आएंगे सर्किल में दोनों पॉइंट सर्किल में आएंगे ध्यान रखना ये अपने पास यहां से एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण बराबर होता है ये ध्यान रखना ये सर्किल में आएंगे दोनों पॉइंट अभी मैं प्रूव नहीं करवा रहा हूं बस याद करवा रहा हूं मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना अगर आपने पास ये जो ए बी ले, और सी मुझे एक बात बताइए ए बी और सी जो है यहां से अगर मैं एल्टीट्यूड डाल देता हूं ई e, और यहां से मैं एल्टीट्यूड डाल देता हूं सी एफ और यहां से एल्टीट्यूड डाल देता हूं ए डी ये वाला कोण अगर अपने पास थीटा है ये या, ये वाला कोण ए है ये वाला कोण 90 है तो मुझे बताओ इस त्रिभुज ए बी की अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा वो क्या नाइनटी माइनस ए होगा बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या एक कोण नब्बे है इसको मैं ए मान रहा हूं तो क्या ये 90, ये ए तो त्रिभुज का तीसरा कोण नाइनटी माइनस ए होगा बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या ऐसे ही मुझे बताओ ये ए है ये नाइन्टी है तो ये वाला जो एंगल अपने पास होगा ये वाला क्या ये भी अपने पास नाइन्टी माइनस ए ही होगा क्या अब इधर वाले ट्राइंगल की बात कर लो इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो ये अपने पास 90 है ये ए है तो इधर वाला भी 90 माइनस है तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सभी लोग यहां पर ये कौन अगर 90 माइनस है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या दोनों बराबर होते हैं क्या बात बताइए मुझे सभी लोग यहां पर 90 है ए है 90 माइनस ए नाइनटी है ए है त्रिभुज का तीसरा कोण 90 माइनस ए तो ये दोनों एंगल अपने पास जो होंगे वो इक्वल होंगे तो आप लोग ये दोनों एंगल अगर इक्वल होंगे तो ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग अब मैं इसको मिक्स करता हूं तीन पॉइंट आप लोगों को बता दिए मैंने तीन पॉइंट मैंने बताए हैं एक तो ये बताया है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होते होती बाहर से एक सर्किल ड्रो कर सकते हो पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट मैंने बताया आपको कि एक ही आर्क द्वारा रिमेनिंग सरकम बराबर होते हैं दूसरा और तीसरा पॉइंट मैंने बताया है कि ये देखिए ये भी 90 माइनस ए है और ये भी 90 माइनस ए है तो क्या दोनों के दोनों एंगल बराबर एंगल्टी माइनस से नाइन्टी माइनस से दोनों एंगल क्या बराबर होंगे क्या पहला भी नाइनटी माइनस ए दूसरा भी नाइन्टी माइनस ए तो क्या दोनों को बराबर मान विवेक कुमार भाई नाइन्टी माइनस ए कैसे आए ये बात समझ पाए हो क्या आप ये भी 90 माइनस ए लिखा हुआ है और ये भी 90 से लिखा तो बराबरी तो है ए का मान जो भी है तीस डिग्री है तो नब्बे में तीस घटाओगे भी है में तीस घटाओगे भी है यहां पर मुझे एक बात समझने की कोशिश करना आप सभी लोग यहां से ए बी और सी यहां से अगर मैं एल्टीट्यूड डाल दू ये अपने पास एल्टीट्यूड है ए डी ये अपने पास एल्टीट्यूड है बीई ये अपने पास एल्टीट्यूड है सी एफ ये एल्टीट्यूड जो है वो सी एफ है <Tort Ges> <Sounds> ये पॉइंट सबसे पहले मैं काम में ले रहा हूं मुझे एक बात बताइए ये वाला एंगल अगर, अगर एक्स होगा ये वाला एंगल अगर एक्स होगा तो क्या ये एंगल भी अपने पास एक्स होगा बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या हाँ और ना पहली बात बताइए ये वाला एंगल अगर अपने पास एक्स होगा तो क्या ये वाला एंगल भी दोनों बराबर होंगे बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या पहली बात एक्स और एक्स मैंने मान लिया है दोनों एंगल बराबर पहला पॉइंट मैंने काम में लिया दूसरा पॉइंट आप लोग ध्यान बताइए देखना ये वाला कोण नब्बे डिग्री है और ये वाला कोण भी नब्बे डिग्री है तो क्या इस चतुर्भुज ओ ई सी और डी में ध्यान से समझिए ओ सी और डी में 90 और 90 180 डिग्री एक क्वाड्रेटल के चारों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है 99 360 डिग्री होता है चारों एंगल्स का सम 360 इन दोनों का सम अगर अपने पास 180 डिग्री है तो क्या बचे हुए दोनों एंगल्स ये वाला और ये पूरे एंगल्स का सम क्या 180 होगा क्या मैं बात कर रहा हूं चतुर्भुज ओ ए सी और डी की तो 90 और 90 180 दो का सम अगर 180 है और चारों का सम 360 डिग्री होता है तो ये भी अपने पास 180 डिग्री हुआ और 180 डिग्री होते ही मुझे बताइए क्या आप लोग बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हो क्या हाँ और ना बताओ सभी लोग तो आप लोग तुरंत कहोगे बिल्कुल सर हम लोग बाहर से सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं और जैसे ही हम लोग सर्किल ड्रॉ करेंगे तो एक ही चाप द्वारा शेष परिधि पर बने कोण बराबर तो इस आर्क द्वारा ध्यान से समझने की कोशिश करना इस आर्क द्वारा अगर बना एंगल ये वाला एंगल इस चाप द्वारा एक्स है तो इस परिधि के द्वारा शेष कहीं भी कोण बने वो भी हमेशा एक्स होगा तो मुझे बताइए ये वाला जो एंगल आ गया ये भी अपने पास एक्स ही आ गया है एक ही चाप द्वारा तीसरा पॉइंट तीन पॉइंट पढ़ाए थे तीनों को मैंने काम में ले लिए हैं ए की चाप द्वारा शेष परिधि पर बना कोण बराबर होता है इसलिए वो अगर एक्स है तो ये वाला भी एक्स होगा हाँ और ना बताइए कि ये बात आप लोग सभी लोग सभी समझ पाए हो क्या एक बार फिर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं मैं वापिस से आर्क होता है भाई ये एंगल अगर एक्स है पहला जो लास्ट में पॉइंट बताया ये अगर एक्स है तो ये भी अपने पास एक्स होगा पहली बात दूसरी बात ये कोण कितने डिग्री है और ये भी कितने डिग्री है तो आपको भी सर डिग्री तो अगर किसी भी क्वाड्रेटल के जिस बच्चे के कम समझ में है वापस सेम चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं ओ एफ बी और डी अगर एक क्वाड्रेटल आपको दिखाई दे रहा है चतुर्भुज दिखाई दे रहा है चीजें अगर याद रहती है तो थोड़ी देर पहले अभी भी बताए एक मिनट पहले कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होते ही बाहर से आप लोग एक सर्किल ड्रॉ कर सकते हो ये अपने पास सर्किल में आएंगे सारी की सारी चीजें सर्किल का एक कॉन्सेप्ट है यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको याद करवा दिया है कि जैसे अपने पास ये होगा तो अपने पास यहां से अपोजिट एंगल का सम वन डिग्री होते ही बाहर से सर्किल और जैसे ही आप लोग व्रत खींच देते हो तो फिर एक ही चाप द्वारा एक ही आर्ग द्वारा रिमेनिंग पर बने एंगल बराबर होता है तो इस आर्क द्वारा इधर अगर एक्स है तो इसी आर्क द्वारा इसी चाप द्वारा इधर एंगल भी कितना होगा तो आप कहोगे एक ही चाप द्वारा रिमेनिंग पर बने एंगल बराबर तो इधर भी अपने पास एक्स होगा तो ये वाला और ये वाला दोनों बराबर क्यों हो गए हाँ और ना बताइए क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या नहीं समझ पाए तो मैं फिर कह रहा हूं मैं बिल्कुल स्लो पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं एक एक चीज आपको तीन तीन बार बताता हूं फिर भी आपके दिमाग में चीजें नहीं घुसती तो छोड़िए उस चीज को और हटाइए सारी चीजों को क्या काम का आप लोग ये याद रखना कि अपने पास यहां पर कि ये जो अपने पास है वो एंगल बायसेक्टर जैसे ही मिलाओगे एंगल बाइसे होता है सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना बाकी चीजें आप लोग भूल जाओ और मुझे एक बात बताओ बाकी सारी चीजें आप लोग भूल जाओ अब समझ में आए या नहीं आए छोड़ एक बार मैं जरूर कोशिश करता हूं बिल्कुल स्लो एक एक चीज पूछ पूछ कर फिर भी नहीं आए तो छोड़ दीजिए एक चीज बस ध्यान रखना ये इसका एंगल बाइसे होता है और जो ट्रायंगल ए बी सी के लिए ओर्थोसेंटर है ट्राइंगल ए बी सी के लिए ओ जो है वो ओर्थोसेंट्र यानी कि लमकेंदर है तो मुझे बताइए आपको यहां पर याद ये रखना है कि जो ट्राइंगल ओ ए बी सी के लिए ऑर्थो सेंटर है तो ये एंगल बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं जहां पर एंगल बायसेक्टर मिलते हैं क्या उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या तो ये जो ट्राइंगल डीई एफ e, अगर ए बी सी के लिए जो ओर्थो सेंटर है वो ट्राइंगल ई एफ के लिए किसका काम करना शुरू कर देगा तो आप लोग याद रखना ये इन सेंटर का काम शुरू कर देगा ये का काम करना शुरू कर देगा बोलिए बिल्कुल तो ठीक है क्या ये जो ट्राइंगल ए बी सी का ओर्थो सेंटर है वो ट्राइंगल ए बी सी के या ई एफ -E के लिए इन सेंटर का काम करना शुरू कर देगा और इस ट्राइंगल ई एफ का जैसे नाम अगर वैसे कोई काम का है नहीं है अगर आप लोग बोलो तो इस चीज को पेडल ट्राइंगल हम लोग बोलते हैं लेकिन ये कोई काम का अपने पास है नहीं आप तो इस चीज को ध्यान रखना इस चीज को याद रखना कि ये इन सेंटर अपने पास होता है जो ट्राइंगल ए e, बी सी के लिए ओर्थो सेंटर यानी लम्ब केंद्र होगा वही छोटे वाले ट्रायंगल के लिए किसका काम करेगा तो आप कहोगे तो सर इन सेंटर का काम करेगा ये चीज आप लोग ध्यान रखना इसको आप लोग यहाँ पर याद रखना अंतर केंद्र का काम करेगा ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कुछ बच्चों के लिए और वैसे समझने की जरूरत भी नहीं है इतना डीप से आपको समझ में आया तो ठीक नहीं तो आप इतना वो भी नहीं है यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं एक बार फिर समझाता हूं देखिए आप लोग कोशिश करना समझने की ये अपने पास ए बी और सी ये कोई भी अगर ट्राइंगल अपने पास है एक अपने पास ए है एक अपने पास बी है और एक अपने पास सी है तो याद रखना अपने पास जैसे आप लोग एल्टीट्यूड डालोगे ए से डी पर बी से अपने पास यहां पर e पर, और C से अपने पास एफ पर जैसे आप लोग एल्टीट्यूड डालते हो वो एल्टीट्यूड जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम लोग ओर्थो सेंटर बोलते हैं और ये जो अपने पास है डी ई एफ को अगर हम लोग मिला दें यहां पर तो याद रखना डी ई एफ को अगर हम लोग मिला देते हैं कोशिश करो समझने की तो याद रखना ये एंगल बाइसेक्टर होते हैं अभी भी मैं आपको ये बात बता चुका हूं कि ये वाला एंगल अगर अपने पास वाई है तो इधर वाला एंगल भी कितना होगा वाई होगा ये चीज आप लोग ध्यान रखना जैसे ये वाला एंगल अगर अपने पास जेड है तो ये इधर वाला एंगल भी जेड होगा और ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा कि इतनी बात अभी भी जस्ट बताई है कि आप लोग समझ पाए हो क्या हाँ और ना बताओ सभी लोग बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग ये बात अब मैं दसवां पॉइंट में आपको पढ़ा रहा हूं तो याद रखना ये जो डी ई एफ है ध्यान से समझने की कोशिश करना ये डी ई एफ जो है ए उसके लिए ई एफ के लिए ए याद रखना एक्स सेंटर का काम करना शुरू करेगा बहिर् के अंदर अपने पास है अब ये चीजें मैं उम्मीद है कि आपको पहले से ही पता होगा कि एक्स सेंटर क्या होता है बहिर् के अंदर अपने पास क्या होता है ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ये अपने पास ध्यान से सुनने की कोशिश करना मैं आपको ये पहले से ही मैं आ, सोच रहा हूं पहले से मुझे ऐसा लग रहा है कि अब एक्स सेंटर आपको पहले से पता होगा इन सेंटर पहले कुछ नहीं आता आपको हर चीज में बताता हूं लेकिन एक बार पढ़ाने दो बार तीन बार उससे रिलेटेड क्वेश्चन करने के बाद मैं सोचता हूं कि यार हाँ ये चीज आप लोगों को आती होगी देखिए ध्यान से समझना एक बात क्यों होता है अब किसी बच्चे को अगर समझना है कि सर ऐसा होता क्यों है तो आप लोग मुझे एक बात बताइए अगर मैं इसको आगे की तरफ बढ़ा दूं इस ब्लैक वाली लाइन लाइन को एक स्ट्रेट पर बना एंगल अपने पास 180 डिग्री होता है अंदर वाला जो ये एंगल अपने पास 90 डिग्री अगर है तो क्या बाहर वाला जो एंगल होगा ये भी अपने पास नाइन्टी डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल वन डिग्री होता है बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या हाँ और ना बोलिए क्या बिल्कुल ठीक है क्या और साथ ही आपको ये भी याद रखना चाहिए कि वर्टिकली जो अपोजिट एंगल होता है शीर्षा विमुख कोण बराबर होता है तो ये कोण अगर वाई है तो ये वाला एंगल भी अपने पास वाई होगा शीर्षा विमुख कौन बराबर होता है ये y है तो ये इधर भी एंगल अपने पास y होगा 90 और y कैसे लिख दिया बताओ सब लोग समझ पाए हो क्या तो आप कहोगे हाँ सर ये बात तो समझ में आई है स्ट्रेट लाइन पर बना एंगल 180 डिग्री होता है तो अपने पास 90 है तो 90 और वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होता है तो मुझे एक बात बताओ ये वाला एंगल कितना बच गया पूरा नाइन्टी था इधर वाला वाई है तो क्या ये वाला एंगल नाइनटी माइनस हो गया है क्या पूरा 90 है ये इधर वाला वाई है तो ये एंगल कितना हो गया तो आप कहोगे 90 नाइन्टी माइनस वाई और मुझे बताइए 90 माइनस वाई नाइन्टी माइनस वाई क्या दोनों बराबर है क्या अब विवेक तो कहेगा कैसे बराबर है लेकिन दो चीजें अगर कुछ भी हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और दूसरी तरफ भी लिखा हुआ हो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो वो बराबर माना जाएगा चीजें सेम है इधर भी 90 माइनस वाई इधर भी 90 माइनस वाई इसका मतलब एक्सटीरियर एंगल बाई हो गया है क्या और एक्सटीरियर एंगल बाइसे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी चीज को हम लोग एक्स सेंटर बोलते हैं बही के अंदर हम लोग बोलते हैं अगर आप लोगों को याद है तो थोड़ा कम समझ में आया है नहीं समझ में आया है घबराने की जरूरत नहीं है मैं एक बार फिर समझाता हूं उसी चीज को वापस वैसे का वैसा एक्सप्लेन करता हूं यहां फिर से समझ लेना ये अपने पास अंदर वाला जो कोण है वो अपने पास 90 डिग्री है ये जो अंदर की तरफ अपने पास एंगल है ये कितने डिग्री है 90 तो बाहर वाला भी 90 होगा पहली बार अंदर वाला 90 है क्योंकि एल्टीट्यूड है स्ट्रेट लाइन पर अंदर अगर 90 है तो बाहर वाला भी 90 डिग्री होगा और इसको ऐसे ही अगर मैं आगे की तरफ बढ़ा देता हूं ये लीजिए तो ये एंगल अगर एक्स है तो ये एंगल भी कितना होगा तो आप बोलोगे x है बिल्कुल ठीक है है पूरा पूरा 90 90 था देखिए इधर नीचे की तरफ ये वाला एंगल अगर एक्स है तो ऊपर कितना बचेगा नाइनटी माइनस एक्स पूरा 90 था इधर एक्स है तो ये भी कितना बचेगा 90 माइनस एक्स अपने पास बचेगा और मुझे अब बताइए आप लोग सभी लोग क्या ये अपने पास यहां से एक्सटीरियर एंगल बाइसे होगा क्या और एक्सटीरियर एंगल बाइसे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी को तो हम लोग एक्स सेंट्रिया के अंदर बोलते हैं दोनों एंगल बराबर हो गए बराबर होते के अंदर हो गया उम्मीद है आप लोग दोनों पॉइंट अच्छे से समझ पाए होंगे पॉइंट नंबर दस और पॉइंट नंबर ग्यारह कभी भी अगर तीनों एल्टीट्यूड्स का रेशियो देकर आप लोग याद रखना पॉइंट नंबर ट्वेल्व कभी भी सॉरी इलेवन कभी भी तीनों एल्टीट्यूड का रेशियो देकर P1, P2 और P3 का रेशियो देकर अगर आपसे कभी भी हाइट का रेशियो पूछे तो इसका उल्टा रेशियो एल्टीट्यूड या हाइट का रेशियो देकर अपने पास साइड्स का रेशियो पूछे ध्यान रखना एल्टीट्यूड या हाइट दोनों बात सेम ही है ये बात याद रखना ये बात ध्यान रखना तो एल्टीट्यूड का देकर साइड का पूछे या साइड का देकर एल्टीट्यूड का रेशियो पूछे तो आप लोग हाँ ये तीन होते हैं फिर इसमें एक्स सेंटर तीन होते हैं ए की तो होता नहीं है ई एफ e, का ये भी एक्स सेंटर है किसी भी ट्राइंगल के तीन एक्स सेंटर होते हैं तो बी भी एक्स सेंटर है और सी भी ऐसे एक्स सेंटर है याद रखना तो याद रखना आप लोग कभी भी दो तीन पांच है तो जैसे एक तो सेवा ने लिख दिया अपने पास यहाँ पर पांच तीन दो उल्टा रेशियो अगर कभी भी बनाना है तो आप लोग डायरेक्ट उल्टा रेशियो ऐसे नहीं लिख सकते कि सुबह सुबह उठ के मुंह धोया और तुरंत उल्टा रेशियो ऐसे लिख दिया ऐसा आप लोग नहीं लिख सकते ध्यान रखना जब भी एल्टीट्यूड का रेशियो देकर साइड का पूछे या साइड का देकर एल्टीट्यूड का रेशियो अगर पूछता है तो उसका उल्टा रेशियो बनाते हैं और उल्टा रेशियो बनाने का दो तरीके आपके पास होते हैं या तो आप लोग एलसीएम से डिवाइड करो पांच तीन और दस का जो एलसीएम अपने पास है पांच तीन और दो एल्सियम क्या तीस हो गया है क्या यहाँ भी तीस और यहाँ भी तीस तो बताओ दो से कितनी बार कटेगा पंद्रह बार तीन से कितनी बार कटेगा दस बार और पांच से कितनी बार कटेगा छह बार ये अपने पास यहाँ से ए बराबर बी बराबर ए बी और सी का रेशियो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं याद रखना नेक्स्ट जो पॉइंट अपने पास यहां पर दूसरे तरीके से इसको जो कर सकते हो अगर ए बी सी का रेशियो हाइट हाइट या एल्टीट्यूड बार बार मैं बोल रहा हूं बात एक ही है यहां पर धन रखना दो तीन और पांच अगर अपने पास है तो यहां से साइड का रेशियो पूछे तो साइड का रेशियो एल्टीट्यूड से उल्टा रेशियो होता है और उल्टा रेशियो बनाने के लिए डायरेक्ट पांच तीन दो मत लिख देना एक तो अपने पास इस प्रकार से कि एलसीएम से डिवाइड कर लो या आपके पास दूसरा तरीका होता है इसको छोड़ दो पहले को लिखना तो बाकी दोनों को इंटू कर दो पंद्रह इसको छोड़ दो बाकी दोनों को इंटू कर दो दस जैसे इसके लिए लिखना है तो ये वाला छोड़ दो बाकी दोनों को इंटू कर दो बचे हुए को जहां पर लिखना है उसको छोड़ के बचे हुए को इंटू कर दिया करो तो ये दो तरीके होते हैं उल्टा रेशियो बनाने के आठ पॉइंट कल समझाए थे वो रिवाइज करवा दिए तीन पॉइंट आज आपको बताया ये टोटल ग्यारह पॉइंट थे किसके ऑर्थो सेंटर के हाँ और ना बताइए क्या प्रत्येक बच्चा इस बात को समझ पाया है क्या सर मेरा टेन प्लस टू में फाइनल सिलेक्शन हो गया बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन बहुत बच्चों का हुआ है अपने यहाँ पर देखो सिंकोरी पर तो फिर मैंने थोड़ा लेट शुरू किया था मदर्स पर मैंने पहले शुरू किया है मदर्स के भी बहुत सारे मैसेज मेरे पास आए काफी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है जितने भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है बहुत बहुत बधाई भाई आपको कॉन्ग्रेचुलेशन सभी को इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है पॉइंट नंबर ग्यारह था अलग से मैंने आपको बताया ये तो ये था पॉइंट नंबर अगर आपने कल क्लास नहीं ली तो वो क्लास लेकर आओ नहीं तो चीजें कुछ भी आपको समझ में नहीं आएंगी अभी तक पहला मैं आपको बेसिक समझा चुका हूं उसके बाद तीन सेंटर के बारे में हम आपको बता चुका हूं चार पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं इसके बाद हम लोग आपको लेकर चलते हैं पॉइंट नंबर पांच पर पांच नंबर पॉइंट भी मैं आपका क्लियर करता हूँ छह नंबर पॉइंट भी क्लियर करता हूँ और फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन में आपको करवाता हूँ याद रखना कल संडे है लेकिन हमारी क्लास लगेगी भाई कल मॉर्निंग में आठ बजे क्लास है सारे बच्चे ध्यान रखना क्योंकि नेक्स्ट वीक में मेरी कुछ छुट्टियां होंगी तो मैं संडे को आपकी क्लास लगाता हूं कल हमारी क्लास होगी आठ बजे ये याद रखिए सभी लोग ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए पॉइंट नंबर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीक में फिर आप लोग रिवीजन कर लेना कुछ छुट्टियां होंगी मेरी तो उसमें आप लोग रिवाइज कर लेना इस चीज को तो संडे को क्लास आगे भी कभी संडे को फिर से क्लास लगा लेंगे उनको हम लोग उनकी वो तो करेंगे ही करेंगे जो भी अपना लोस होगा उसकी भरपाई करता है पांच नंबर पॉइंट जो है अपने पास इसमें हम लोग पढ़ते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जक हम लोग पढ़ रहे हैं अब नए अगला पॉइंट है यहां पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग पढ़ते हैं यहां पर देखिए आप लोग सभी लोग साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो अपने पास है देखिए कोशिश करना चार पॉइंट अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं कल की क्लास में इन दोनों से चार नंबर और पांच नंबर जो पॉइंट है उन दोनों से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन कल की क्लास में करेंगे प्रैक्टिस हम लोग करेंगे क्वेश्चन की दक्ष भारद्वाज कर रहे मुझे भी नेक्स्ट वीक छुट्टी चाहिए हाँ बिल्कुल आपको छुट्टी मिलेगी भाई नेक्स्ट वीक में तो अब हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा पढ़ाई पर ही ध्यान देते हैं कल की बात मैं बता चुका हूं आठ बजे आपकी क्लास वाली मैं आपको क्या कह रहा था आपको यहां पर ये जो अपने पास है ट्राइंगल ए बी और सी कोई भी ट्राइंगल अगर अपने पास है ए बी और सी इसमें दो चीजें होती हैं किसी भी ट्राइंगल में अपने पास दो चीजें अपने पास होंगी एक तो उसके एंगल्स होंगे और एक उसकी साइड होगी ध्यान से समझना आपको मैं क्या समझा रहा हूं इन चीजों को आप लोग सुनिए अपने पास दो चीजें होंगी एक तो अपने पास एंगल होता है और एक अपने पास साइड होती है तो आप लोग एक तो खींच सकते हो एंगल बाई मुझे बताओ किसी भी एंगल को टू पार्ट्स में डिवाइड करना ट्राइंगल में दो ही तो चीजें होती हैं सिर्फ दो चीजें होती हैं एक तो अपने पास एंगल होता है और एक अपने पास साइड होती है मुझे आप लोग बताइए सारे बच्चे मिलकर कि क्या एंगल बाइसेक्टर सिर्फ एक ही लाइन होगी या दो तीन लाइन और भी हो सकती है जैसे अस्सी डिग्री था तो उसको 40 डिग्री और 40 डिग्री बांटने वाली क्या सिर्फ एक ही लाइन होगी या एक दो लाइन और हो सकती हैं जो इसको 40 और 40 में बांटे तो आप लोग ये कहोगे आप लोग सभी लोग ये बोलोगे कि सर यहां पर अपने पास 40 और 40 डिग्री में बांटने वाली सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन हो सकती है मैं आपको फिर बता रहा हूं ट्रायंगल में अपने पास यहां पर दो चीजें अपने पास होती हैं एक अपने पास एंगल बाइसेक्टर होता है ध्यान से सुनने की कोशिश करना एक अपने पास होता है यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर और दूसरा होता है साइड बाइसेक्टर इस चीज को आप लोग समझिए तो एंगल बाइसेक्टर जो अपने पास है वो तो सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन होगी लेकिन मुझे बताओ साइड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन होगी साइड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली जो लाइन होगी वो एक ही लाइन होगी या इनफाइनाइट लाइन होगी ये बात बताइए आप लोग तो आप लोग कहोगे मुझसे कि सर साइड को बाइसेक्ट करने वाली जो लाइन अपने पास होंगी वो तो अपने पास इनफाइनाइट लाइन होंगी अनंत लाइन होंगी बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या साइड को बाइसे करने वाली जो लाइन होगी वो तो अपने पास इनफाइनाइट लाइन होगी तो फिर कौन सी लाइन पढ़ोगे आप लोग इसलिए एंगल बाइसेक्टर तो सिर्फ एक ही होता है उसके लिए और कोई नाम हमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी लेकिन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड पर बाइसेक्टर बहुत सारे होते हैं तो ऐसे तो कितने पढ़ोगे तो हम लोग जो पढ़ते हैं वो साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ते हैं यहां पर अपने पास जो साइड को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ते हैं जो साइड को बाइसेक्ट तो करे ही करे

अब कुछ बच्चों के जो घर पर वहां पर बैठे हैं उनके दिमाग में अचानक से क्वेश्चन बनता है यार ये साइड बाइसेप्ट तो मीडियन भी होती है तो ध्यान रखना साइड बाइसेप्ट तो मीडियन भी होती है बिल्कुल आप सही पकड़े हो लेकिन याद रखना मीडियन वर्टेक्स से शुरू होती है और सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है मीडियम जो होती है वो वर्टेक्स से शुरू होती है सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है जबकि ये लाइन सामने जाकर मिड पॉइंट वर्टेक्स से शुरू नहीं होती ये तो मिड पॉइंट पर ही अपने पास नब्बे डिग्री का कोण बनता है जरूरी नहीं सामने वर्टेक्स पर जाए ये बात ध्यान रखना यहां पर एक बच्चा कहेगा कि सर 90 डिग्री का कोण तो एल्टीट्यूड भी बनाता है वो इसमें कंफ्यूज क्योंकि ये भी 90 डिग्री और वो भी 90 डिग्री एल्टीट्यूड भी तो 90 डिग्री का कोण बनाता है ध्यान रखना वर्टेक्स से शुरू होकर सामने वाली साइड पर 90 डिग्री का कोण बनाता है वो मिड पॉइंट होना जरूरी नहीं है कि वर्टेक्स से शुरू होगा सामने वाली साइड पर नब्बे डिग्री का कोण बनाएगा तो अपने पास एल्टीट्यूड होगा जरूरी नहीं वो मिड पॉइंट पर जाकर मिले थोड़ा सा साइड में भी हो सकता है तो वर्टेक्स से शुरू होकर नब्बे डिग्री का कोण है तो तो से शुरू के पर मिले तो मीडियन, और अगर कभी भी पर का कोण तो वो साइड बाई होता है। अब मुझे बताओ क्या चार जो नाम मैं बार बार ले रहा हूं मीडियन एंगल बाई एल्टीट्यूड और साइड परपेंडिकुलर बाइसे माध्यिका

तो देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना अब हम लोग पढ़ क्या रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा समद्विभाजक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो एक पहला पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं पहला पॉइंट सिखाने की कोशिश करता हूं याद रखना अपने पास जहां पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो तीन साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे एक ट्राइंगल है ए बी और सी तो यहां पर तीन साइड ये छोटा ही पॉइंट होता है याद रखना एक एंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं यहां पर सरकम सेंटर यानी कि परी के अंदर एक ट्रायंगल के तीनों साइड परपेंडिकुलर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर यानी कि हम लोग परी अंदर बोलते हैं और इसको परिकेंद्र हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो तीनों वर्टिसेज को टच करेगा याद रखना अपने पास यहां पर इन सेंटर से याद करो अंदर की तरफ सर्किल हम लोग बना रहे थे यहां पर ए बी और सी जो अपने पास है यहां पर ध्यान रखना आप लोग इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर और इसको सरकम सेंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर पाना पॉसिबल है जो इसके तीनों वर्टिसेज को टच करेगा तीनों शीर्षों को टच करेगा ये याद रखना आप लोग और तीनों शीर्षों को अगर टच करेगा कोई भी सर्किल ऐसे है जिसका सेंटर है और वो तीनों सर्किल को अगर तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है तो यहां से यहां तक की दूरी मुझे बताइए यहां से यहां तक की दूरी रेडियस आर और यहां से यहां तक की दूरी तो मुझे बताओ तीनों वर्टिसेस से जो डिस्टेंस अपने पास होती है वो क्या इक्वल होगी क्या क्योंकि रेडियस हमेशा बराबर होती है तो एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता है तीनों भुजाओं से समान दूरी पर जो केंद्र होता है वो तो होता है अंतर केंद्र तीनों भुजाओं से समान दूरी पर जो केंद्र होता है वो होता तो है अंत केंद्र अंदर की तरफ सर्किल खींच सकते हैं और तीनों वर्टिसे से इक्वल डिस्टेंस पर कौन सा सेंटर होगा तो वो अपने पास सरकम सेंटर होता है ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पहले पूछ लेता था और अचानक फिर से भी क्वेश्चन आ सकता है ऐसे जो छोटे-छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो वापिस से भी अपने सामने आ सकते हैं इसको आप लोग याद रखिए इसको आप लोग ध्यान रखिए कि अपने पास चारों वर्टेक्स सरक, अपने पास यहां से इसको सेंटर मानकर एक ऐसा सर्कल हम लोग ड्रॉ कर पाएंगे जो अपने पास यहाँ पर जो अपने पास यहां पर चारों वर्टिशेज से इक्वल डिस्टेंस पर होगा ये आप लोग याद रखना तीनों वर्टिशेज से, से तीन जो शीर्ष है उनसे बराबर दूरी पर होगा और अगर कभी भी अपने पास यहां पर सर्किल अगर है तो उसकी रेडियस होगी और इसकी रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए इंटू बी इंटू सी याद रखना ए बी सी तीनों साइड है ए इंटू बी इंटू सी अपॉन फोर इंटू एरिया ये अपने पास यहां पर रेडियस जो है परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला याद रखना ये जो साइन होता है ये जो डेल्टा साइन हम लोग डिनोट करते हैं ये याद रखना आप लोग एरिया का या क्षेत्रफल का साइन होता है वैसे आप लोगों को पहले से ही पता होगा क्योंकि एक बार हम लोग पहले भी काम में ले चुके हैं तो आर का जो फॉर्मूला होगा वो अपने पास होगा ए इंटू डी इंटू सी अपॉन फोर इंटू एरिया ये अपने पास फॉर्मूला है बताइए ठीक है क्या याद रखना आप लोग सभी लोग इस चीज को ये जो अपने पास है कोई बच्चा सोचना चाहे कि सर कैसे आता है तो वो अपने पास एक तो साइन रूल होता है उससे आता है ट्रिग्नोमेट्री है, ये अपने पास मेनचुरेशन और ट्रिग्नोमेट्री से ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी अब यही आपको अगर नहीं पता ये चीजें तब तो ये चीजें नहीं समझ में आती इसलिए हम लोग नहीं करते हैं कि आपको याद तो सिर्फ यही रखना है एक तो ये साइन रूल होता है एक ट्राइंगल के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है जैसे दो साइड और उसका बीच का कोण दिया हुआ मिले तो एरिया का फॉर्मूला अपने पास होता है जिसको हम लोग डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं हाफ इंटू बी इंटू सी और उनके बीच का कोण साइन में लेते हैं

और एक ये साइन का फॉर्मूला होता है अपने पास तो यहां से मुझे बताओ साइन ए बराबर फर्स्ट और लास्ट से साइन ए बराबर क्या लिख सकते हो आप लोग तो आपको साइन ए बराबर सर ए अपॉन टू आर लिख सकते हैं तो लिख दो अपने पास यहाँ से एरिया को डेल्टा से डिनोट कर रहा हूं हाफ इंटू बी इंटू सी इंटू की जगह ए अपॉन मुझे तो आर का मान चाहिए तो आर तो इधर ले आओ तो ऊपर बच गया ए इंटू बी इंटू सी और नीचे बच गया अपने पास फोर इंटू एरिया ये अपने पास आंसर आ गया है आर बराबर ए इंटू बी इंटू सी अपॉन फोर इंटू एरिया हाँ और ना बताइए क्या सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या बोलिए भाई तो ये इस प्रकार से ध्यान से सुनना आप लोग नेक्स्ट पॉइंट अपने पास यहां पर पॉइंट नंबर तीन पर एक एक पॉइंट मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूं भाई पॉइंट नंबर तीन जो अपने पास है वो इस प्रकार से कि कोई भी ट्राइंगल अगर है ए बी और सी ध्यान से समझना एक अपने पास ए, बी और सी इसके बाहर से हम लोग अगर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर मिलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं जहां पर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग सरकम सेंटर याद रखना और सरकम सेंटर तीनों शीर्षों से समान दूरी पर होता है साथ ही ये भी आप लोग ध्यान रखना और इसके क्योंकि बाहर से हम लोग एक सर्किल ड्रो कर सकते हैं बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या तो यहां पर याद रखना प्रत्येक बच्चा क्योंकि अभी भी मैं बताकर आया हूं नहीं नहीं ये तो नहीं बताया मैंने ये चीज याद रखिए में ही मैं प्रूव करवाऊंगा आपसे खुद से आप नहीं कहोगे तो भी मैं प्रूव करवाऊंगा किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर जो बना एंगल होता है वो रिमेनिंग सर्कमेंस पर एंगल से हमेशा डबल होता है क्यों होता है सर्किल में हम लोग प्रूव करेंगे तो यहां पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं बिना मतलब यहाँ पर याद कर लीजिए सर्किल नेक्स्ट पॉइंट जब हम लोग पढ़ेंगे ट्राइंगल खत्म होते ही सर्किल शुरू करेंगे तो किसी भी आर्ट द्वारा सेंटर पर बना जो एंगल होता है रिमेनिंग सर्कम पर बने एंगल से डबल होता है ये आप लोग याद रखिए इसको आप लोग ध्यान रखिए तो यहां से क्योंकि बाहर से आप लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हो तो याद रखना इसमें कभी भी अगर आप लोगों को एंगल बी एस सी अगर आप लोगों से पूछा जाए अगर मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ एंगल बी एस सी क्या होगा तो आप तुरंत बोलोगे सर वु ऑफ एंगल ए होगा जैसे अगर मैं आपसे किसी बच्चे से ए एस सी अगर मैं पूछता हूं तो आप तुरंत बोलोगे सर वो ट्वाइस ऑफ एंगल बी होगा क्योंकि बाहर से आप लोग सर्किल खींच सकते हो और सर्किल के सेंटर पर बना एंगल यहां पर बने एंगल से हमेशा डबल होता है ये चीज आप लोग थोड़ी सी ध्यान रखना पॉइंट नंबर है ये अपने पास तीन नंबर और ए एस बी अगर कभी भी पूछे तो वो अपने पास ट्वाइस ऑफ एंगल सी होता है तो याद रखना सरकम सेंटर पर बना बनाएंगल ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी और ट्वाइस ऑफ सी होता है ये चीज आप लोग ध्यान रखना सभी लोग ये तरुण साइड अपॉन रूट थ्री से रेडियस नहीं आएगी भाई पता नहीं क्या रख क्या है आप बाहर वाला साइड अपॉन टू रूट थ्री तो होता है इक्विलेटर ट्राइंगल में लेकिन साइड अपॉन रूट थ्री कहीं का कुछ भी चीजें मिक्स हो गई पता नहीं क्या रख लिया आपने और वो सिर्फ संभाव त्रिभुज में होता है जो मैं में, में आपको बताऊंगा यहां पर ये था अपने पास पॉइंट नंबर तीन मैंने आपको इन सेंटर पर बनाएंगल याद कीजिए इन सेंटर पर बनाएंगल 90 प्लस हाफ ऑफ ए 90 प्लस हाफ ऑफ बी और 90 प्लस हाफ ऑफ सी यहां पर ऑर्थो सेंटर पर बनाएंगल 180 माइनस ए 180 माइनस बी 180 माइनस सी और अपने पास यहां पर बनाएंगल जो मैंने आप लोगों को बताया है ये ट्वाइस ऑफ ए ट्वाइस ऑफ बी इक्विलेटर में भी नहीं है सिवा वो तो इक्विलेटर में भी साइड अपॉन टू रूट थ्री होगा क्विलेट्रल में भी जो तरुण लिख रहा हो तो इक्विलेटरल में भी नहीं है अगला चार नंबर पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो याद रखना पोजिशन सेंटर के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहां ट्राइंगल अगर, है, अगर है न्यून कोण त्रिभुज अगर अपने पास है एक्यूट एंगल ट्राइंगल कोण त्रिभुज तो याद रखना एक्यूट एंगल ट्राइंगल में न्यून कोण त्रिभुज में अपने पास इस प्रकार से है ए, बी और सी इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसी चीज को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर हमेशा और हमेशा बनता है अंदर की तरफ याद रखना यहां पर अपने पास दूसरा जो अपने पास है वो है राइट एंगल ट्रायंगल क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में मुझे बताना होता है तो साथ साथ सारे ही मैं बताता हूं समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल या समकोण त्रिभुज यहां से आप लोग ध्यान रखना जब कभी भी आप लोग यहां से ये अपने पास एक समकोण है डिग्री ए बी और सी इस साइड का परपेंडिकुलर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर या परी यानी ये होता है हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर राइट एंगल ट्राइंगल में सरकम सेंटर हमारे पास यहां पर अपने पास जो होता है वो हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर होता है ये चीज आप लोग ध्यान रखना और अगर मैं मैं बात करूं एंगल इसके बारे में मैं अभी समझाता ये इंपॉर्टेंट है भाई इसको थोड़ा डिटेल से लेते हैं लेकिन इसके साथ साथ ये दोनों चीजें जो है वो तो आप लोग खुद से याद रखना ओप्टूज एंगल ट्राइंगल या अधिक कोण त्रिभुज जो अपने पास होता है उसमें निकल जाता है ये बाहर तो एक्यूट या ऑप्ट्यूज ज्यादा काम का अपने पास है नहीं अपने पास जो काम का है वो अपने पास है राइट एंगल ट्राइंगल लेकिन इसके लिए मैं बता दूं कि ये अपने पास यहाँ पर बाहर की तरफ जहां पर मिलते हैं इसको बोलते हैं हम लोग लोग सरकम सेंटर अभी इसको तो मैं बताता हूं लेकिन इनकी पोजीशन आप ध्यान रखना एक्यूट में कहाँ बनेगा राइट में कहा बनेगा और ऑप्टूज में अपने पास कहाँ बनेगा इस पर हम लोग वापिस आते हैं उससे पहले एक बच्चे को चाहिए पिछली स्लाइड एक मिनट के लिए तो देख लो भाई पिछली स्लाइड में आप क्या देखना चाहते हो अंकित झा तो देखिए ध्यान से समझिए आगे चलते हम लोग राम राम भाई अंकित राम राम देखो राइट एंगल ट्रायंगल में याद रखना कि सरकम सेंटर हमेशा के पर बनता है बात यह है कि सर सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर क्यों बनता है यह चीज आप लोग देखिए अभी तो आकाश लगेगी क्लास जब होगी मैं बता दूंगा आपको अभी तो क्लासेस रेगुलर लगेंगे भाई जब भी कुछ होगा मैं बता दूंगा यहाँ पर ध्यान से समझ लेना क्यों बनता है राइट एंगल ट्राइंगल पर हम वापिस आता है क्योंकि आप लोग इसको सेंटर मानकर ध्यान रखना सरकम सेंटर को सेंटर मानकर बाहर से एक सर्किल खींच सकते हो जो इसके तीनों वर्टी को टच करेगा और अभी भी मैंने आप लोगों को बताया कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर क्यों बनता है यह चीज मैं आपको समझाता हूं देखिए मुझे एक बात बताइए हमें पता है कि किसी भी आर्क द्वारा सेंटर पर जो बना एंगल होता है वो रिमेनिंग सरकमफ्रेंस पर बने एंगल से डबल होता है तो ये कौन अगर आपने पास थीटा है तो ये वाला जो एंगल होगा वो मुझे बताइए क्या टू थीटा होगा बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या करवाते हैं गोविंद वो भी करवा दूंगा यहां पर तो इस आर्क को अगर थोड़ी सी हम लोग बड़ी आर्क ले लें ध्यान से समझना इस आर्क को थोड़ी सी हम लोग अगर बड़ी आर्क ले लें तो सारे बच्चे मिलकर ये बताना अगर इतनी बड़ी आर्क ले लें कि ये अपने पास अगर यहां से सेंटर हो जाए तो ये एंगल अगर 180 डिग्री है स्ट्रेट लाइन है ये एंगल 180 डिग्री है तो सरकमफ्रेंस पर बनाएंगल आधा होता है तो मुझे बताओ इधर जो एंगल अपने पास होगा यहां पर एंगल क्या 90 डिग्री होगा बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या ये अपने पास 90 डिग्री होगा बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या और ये 90 डिग्री अगर होगा तो इस सर्किल में मुझे सब लोग मिलकर बताओ बाहर से जो हम लोग सर्किल ड्रॉ कर रहे हैं सारे बच्चे मिलकर मुझे एक बात बताइए क्या यहां से अपने पास क्या हाइपोटेनस का जो सेंटर है वो क्या राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही है क्या बताओ क्योंकि इधर भी रेडियस इधर भी रेडियस उसी चीज को सर्किल में मैं ऐसे पढ़ाऊंगा पहले क्योंकि ट्राइंगल है तो मैं उल्टा वो चीज बता रहा हूं कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल अगर अपने पास है तो बाहर से आप लोग सर्किल ड्रॉ कर सकते हो ध्यान रखना राइट एंगल ट्राइंगल अगर अपने पास है तो अपने पास यहां से क्योंकि बाहर से आप लोग सर्कल ड्रॉ कर सकते हो वो जरूर यहां से पास होगा और इसका यहां से पास होगा तो रेडियस एस ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है कि तीनों बराबर होंगे क्या क्योंकि तीनों ही अपने पास रेडियस हैं तो ये तीनों चीजें अपने पास बराबर होती है, याद रखना तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर बनता है तो ये यह यहां से क्योंकि ये भी अपने पास रेडियस हुई ये भी अपने पास रेडियस हुई ये भी अपने पास रेडियस हुई क्योंकि बाहर से आप लोग सर्किल खींच सकते हो तो ये तीनों की तीनों अपने पास बराबर होती है ये चीज याद रखना आप लोग प्रत्येक बच्चा या जैसा मैंने आपको समझाया इसका उल्टा भी आप ध्यान रखना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसका उल्टा भी आप लोग ध्यान रखना अगर एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से ध्यान से सुनिए एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर अगर है एक स्ट्रेट लाइन AC है इसके मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींचे जो इसके बराबर अगर है तो यहां से अपने पास ये जो बना कोण होगा ये हमेशा नब्बे डिग्री होगा याद रखना क्योंकि तीनों बराबर है तो बाहर से हम लोग सर्किल खींच सकते हैं और सर्किल खींच सकते हैं तो स्ट्रेट लाइन पर ये अगर 180 है तो फिर ये अपने पास 90 डिग्री होगा एक स्ट्रेट लाइन के अपने पास यहां से इस रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बने हुए भी याद रखना इधर ऊपर चाहे इधर लाइन खींचो चाहे इधर लाइन खींचो अगर ये लाइन बराबर है तो फिर यहां पर बना एंगल ऑलवेज राइट एंगल होगा ये चीज याद रखना इस चीज को आप लोग ध्यान रखना कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं ध्यान से समझना मुझे आप लोग सब लोग मिलकर एक बात बताना क्या एस एसी का मिड पॉइंट है क्या मेरा क्वेश्चन है राइट एंगल में क्या एस जो है वो एसी का मिड पॉइंट है या नहीं है यह बात बताओ सभी लोग मिलकर तो आप कहोगे बिल्कुल है सर एस जो है वो एसी का मिड पॉइंट बिल्कुल है और बिल्कुल अगर मिड पॉइंट है तो देखिए क्वेश्चंस बनते कैसे हैं यहां पर देखिए वैसे ही मैं आप लोगों को ध्यान रखना बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं फिर भी आप लोग कोई चीज रिपीट करके देखना चाहो आपको इसी एनर्जी के साथ इसी टाइप से मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो में पढ़ाता हूं मिलूंगा तो आप लोग बार 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 उसको रिकॉर्ड बार बार रिपीट करके देखा करो तीन बार पांच बार सात बार आप लोग क्योंकि एक दो परसेंट बच्चे उनको बिल्कुल कम समझ में आता है तो आप लोग दो तीन पांच या सात बार देखा करो रिपीट करके यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल में ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग ये जो क्वेश्चन अपने पास है एक मान लो अपने पास ए है एक मान लीजिए बी है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए मैं बार बार क्योंकि कितना भी कितना भी भी अच्छा पढ़ा लो, एक दो बच्चों का तो रिपीट आता ही है अब आप लोग इतने बच्चे लाइव में तो थोड़ा सा स्टूडेंट क्या है कि कम आता है ज्यादा देखता है बहुत सारे बच्चे क्योंकि कहीं जॉब करते हैं सुबह सुबह उठ नहीं पाते तो उनको लगता है रिकॉर्डेड में देख लूंगा वैसे लाइव हमेशा वीडियोस को लाइव देखते हो क्वेश्चंस पूछ सकते हो ज्यादा एनर्जी आप में बनी रहती है डेली आने का मन भी करता है अगर आपकी विल पावर बहुत अच्छी नहीं हो तो आपको हमेशा लाइव देखना चाहिए नहीं तो बाद में आप लेकिन कुछ बच्चे बाद बाद बहुत सारे बच्चे बाद में भी देखते हैं तो कोई ना कोई बच्चा तो रिपीट लिख ही देता है पता नहीं उसका कहीं ध्यान और चला जाता है या कहीं तो मैं कितना भी स्लो पढ़ा रहा फिर भी एक दो बच्चे तो रिपीट लिखते ही हैं धीरे 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 पिछले मैंने देखो हमें पता ही नहीं लगा कि अपना पचपन मिनट कब निकल गए टाइम बड़ा, फास्ट भागता है की क्लास में। और कितने क्योंकि नहीं तो मैं सारा जो आज की क्लास में पढ़ा ये बोलता से स्लाइड तैयार करके लाता बटन दबाता ये देखिए होता है ये और इसको याद कर लेना क्योंकि ज्योमेट्री याद करनी पड़ेगी पीएचडी एच ना करनी है अगली स्लाइड ये याद कर लेना दस मिनट में और फिर आगे सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग मुझसे करवा देता लेकिन याद रखना आप लोग सारे बच्चे कि आप लोग जब भी आपको किसी कहीं कम समझ में आए तो आप रिपीट करके क्योंकि रिकॉर्डेड है आप देख सकते हो करण तो आप नेक्स्ट बैच ज्वाइन कर लेना भाई ये बैच जो है वो उन लोगों के लिए होता है जो मान लो एक बार पढ़ चुके हैं रेगुलरिटी अगर रखना चाह रहे हैं उन लोगों के लिए होता है प्रैक्टिस बैच बाकी आप अभी नहीं पढ़े हो तो नेक्स्ट बैच करना आप लोग जो रिकॉर्डेड है वो नहीं कर पाओ जब वहां तक कोर्स नहीं हो उससे अगला करना जब आपको करना है तब आप कर लेना ठीक है ना पीवाई क्यू एवरेज का उसी में संदीप देवनाथ पीवाई क्यू जो है एवरेज एलिगेशन जो था ना चैप्टर उसी में है देखो आप ध्यान से सुनिए यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ एस जो ये अपने पास तीन है ये अपने पास चार है तो ये अपने पास पांच होगा एस इसका अगर सरकम सेंटर है ध्यान से समझना तो S अगर सरकम सेंटर है तो यहां पर आप लोग जो आ, सबसे पहले पूछता है कि इसके की बताओ। तो आप जैसे ही अपने पास परिवृत्त की त्रिज्या अगर पूछे तो याद रखना परिवर्त की त्रिज्या क्योंकि तीनों बराबर होती हैं, तो वो परिवर्त की त्रिज्या अगर पूछ ले तो फाइव बाई टू अपने पास होगा तो आंसर आ जाएगा अपने टू पॉइंट फाइव कभी-कभार सीधा लिख देगा कि BS की लेंथ बताइए तो BS की लेंथ भी 5/2 होगी यहां पर 2.5 कभी-कभार पूछेगा वो माध्यिका B से डालेगी की मीडियन की लेंथ बताओ तो मीडियन भी तो अपने पास यही होती है 5/2 माध्यिका की लंबाई अगर कभी पूछ ले तो भी मुझे बताइए क्या यही होगी क्या माध्यिका क्योंकि मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है तो आंसर तो 2.5 है ये तीन तरीके से अपने पास पूछे जा सकता है बोलिए ठीक है क्या बीसी एसी पर कब परपेंडिकुलर हो सकता है राइट एंगल ट्राइंगल में बी बी एस जो है वो एसी पर परपेंडिकुलर हो सकता है जब वो आइसोसलेस ट्राइंगल हो सम द्विबाहु त्रिभुज हो तो अपने पास हो सकता है तो यहां पर ध्यान से सुनने की कोशिश करना ये भाविन पूछ रही है कि सर कितने प्रैक्टिस बैच अब मैं सोच रहा हूं कि इस बैच में क्या होता है कितना हम लोग प्रैक्टिस करते हैं फिर तो हर तीन महीने में हम लोग उसको करते रहेंगे रिवाइज करते रहेंगे बैच को ये बैच खत्म हुआ अगला बैच फिर आ जाएगा वो खत्म हुआ अगला बैच फिर आ जाएगा तीन महीने की प्रैक्टिस बहुत होती है वैसे तो यहां पर अपने पास तीन तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है याद रखना पहला रेडियस बताओ परिव्रत की त्रिज्या बताओ दूसरा बी एस की लेंथ बताइए और तीसरा अपने पास माध्यिका की लंबाई बताओ और माध्यिका की लंबाई अपने पास यहां पर पूछ सकता है क्वेश्चन अपने पास इससे ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग ऐसे भी क्वेश्चन अपने पास आ सकता है कि आप लोग चलो करने की कोशिश करो एक ट्राइंगल एबीसी में जी यहाँ सेंट्रोइड है जी अपने पास केंद्रक है ध्यान से कीजिए क्वेश्चन जी जो है वो अपने पास यहां पर केंद्रक है जी सेंट्रोइड है केंद्रक अपने पास है जी तो बताओ ए जी बराबर अगर बीसी है क्वेश्चन में गिवन है ए जी बराबर अगर बीसी है तो एंगल बी जी सी आप लोग फाइंड आउट कीजिए आंसर मुझे बताओ सभी लोग मिलकर कि एंगल बी जी सी जो होगा वो कितना होगा बताओ ये तो पूरा बैच है अभिषेक ये कंप्लीट बैच है वो उसमें मैं आपको मिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगा ये तो दोनों है ही अलग अलग मतलुज मेंस के लेवल के क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम प्री मेंस दोनों करेंगे स्पीड बढ़ाएंगे भाई उसमें जिस बच्चे को ऐसे लगता है ना कि सर स्पीड नहीं बढ़ती ये होता है वो होता है तो उसमें स्पीड हम लोग बात करेंगे यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग AG B से हम लोगों को दिया हुआ है AG B से अगर हम लोगों को दिया हुआ है तो याद रखना जैसे आप लोग इसको से जी, जी हाँ गुरुत्व केंद्र है मैंने लिख भी दिया है ताकि बच्चा कोई कंफ्यूज नहीं हो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सरकम सेंट्र, लेकिन सेंट्रोइड में पहले पढ़ाकर आ गया हूं केंद्र का अपने पास है तो मुझे बताइए क्या ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो माध्यिका को दोन पात एक में बांटता है क्या आप कहोगे सर जरूर दोन पात एक में बांटता है ये लीजिए पहले भी बताकर आया हूं इस टाइप का जब मैं आपको सेंट्रोइड पढ़ा रहा था तब भी इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से जरूर मैंने एक्सप्लेन किए होंगे और मुझे एक बात बताओ क्या आपने पास एजी बराबर अगर दो है एजी बराबर अगर दो है तो बी सी बी कितना होगा दो होगा और मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है 20, AG अगर दो माना आपने तो ये भी दो होगा और मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है तो ये भी क्या एक हो गया है क्या, क्या? क्योंकि मीडियन मिड पॉइंट पर मिलती है और मुझे बताओ ये तीनों ही अगर एक एक और एक अगर स्टेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर कोई लाइन खींची जाए जो इसके बराबर पर अगर है तो यहां पर बना जो एंगल होगा वो अपने पास 90 डिग्री होगा समकोण होगा ये अपने पास आंसर आ गया बोलो बिल्कुल ठीक है क्या करवा देंगे रवि कुमार मुझे एक बात बताइए सब लोग देखकर ध्यान से समझने की कोशिश करना ये एक ट्रायंगल है ए बी और सी ये क्वेश्चन मैं करवा के हूं देखिए सेंट्रोइड में ध्यान से समझना अगर किसी ट्रा एंगल ए बी सी में एडी मादिका है एडी जो है वो माध्यिका है और ए डी बराबर हाफ ऑफ बी सी पहले से दिया हुआ है ए डी बराबर हाफ ऑफ बी सी दे दे तो बताओ एंगल ए बराबर कितना होगा ए डी माध्यिका है और ए डी बराबर हाफ ऑफ बी सी तो बताइए ये अपने पास कितना होगा तो आप लोग तुरंत बोलोगे कि सर ये जो अपने पास होगा यहां से ए डी अगर माध्यिका है तो मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है तो ये इधर बी सी बाई टू और ये भी इधर BC/2 क्योंकि माध्यिका मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है और AD बराबर 1/2 हो BC पहले से ही दिया हुआ है AD का मान BC/2 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है तो मुझे बताओ कि तीनों बराबर हो गए और तीनों बराबर होते ही ये कोण नब्बे डिग्री ये मैंने सेंट्रोइड में सेम क्वेश्चन करवाया था बताओ क्या आपको सभी बच्चों को याद है क्या राम बाबू पूरा सिलेबस नहीं हुआ तो मतलब भाई मैं तो उस बच्चे के लिए जिन बच्चों का कंप्लीट सिलेबस हो चुका है वो मैंने आप लोगों के लिए निकाला है भाई मैगना अभी तो नहीं आएगा थोड़ा टाइम और लगेगा महीना भर और लगेगा मैगना संदीप क्या कह रहा है सर नहीं है एमएस मैं चेक कर लेता हूं भाई और अभी कमी है भाई फीस तो यार प्रैक्टिस बेच की फीस अब छह सौ सात सौ रुपए तो होगी यार यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करो यहां पर अगला जो पॉइंट है पांच नंबर अपने पास ये देखिए ये ध्यान से समझने की कोशिश करना पांच नंबर पॉइंट अपने पास ये है एक चीज आप लोग समझिए दो लाइन अगर पैरल है दो लाइन अगर अपने पास पैरल है तो इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम हमेशा 180 डिग्री होता है दो लाइन अगर कभी भी अपने पास पैरल है तो अपने पास यहां पर उनमें से एक कोण अगर 90 डिग्री है तो याद रखना दूसरा भी अपने पास 90 डिग्री होगा पैरल लाइन में अगर कभी भी एक कोण अगर नब्बे डिग्री है तो दूसरा भी अपने पास नब्बे डिग्री होगा यह चीज याद रखना क्योंकि अंतर कोणों का योग एक 180 डिग्री होता है और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन ध्यान से समझिए भाई मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरल होती है ये लीजिए अगर ये मिड पॉइंट अपने पास है मिड तो पॉइंट को मिलाने वाली लाइन जो होगी वो तीसरी से आधी भी होगी और पैरेलल भी होगी तो अब आप लोग ये बात ध्यान से समझने की कोशिश करो सभी लोग एक बार समझिए भाई क्योंकि इसमें पॉइंट कमी है इतने इसमें पॉइंट हैं, तो ध्यान से आप लोग समझने की कोशिश करना ये अपने पास ट्रायंगल ए बी और सी है जो कि एक कलरफुल ट्रायंगल अपने पास है इसको हम लोग एक कलरफुल ट्रायंगल बनाएंगे ये लीजिए यहां पर ये यहां से मिड पॉइंट अगर है ये कोई भी ट्राइंगल है ए बी और सी है और ये इसके अपने पास मुझे एक बात बताओ अगर साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में ड्रॉ करूं ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहां से साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक अपने पास साइड परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर है वो यहां से अपने पास ड्रॉ करता हम लोग और एक साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो यहां से ड्रॉ करते हैं हम लोग और ये तीनों साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर अपने पास मिलते हैं डी ई एफ इस चीज को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं हाँ और ना बताइए क्या इतनी चीज आपको याद है क्या ये बात बताओ साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भुजा लंब लमसमधिभाजक जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आज ही आपको अभी भी पढ़ा है क्या बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या तो मुझे एक बात बताइए आप लोग सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करो ये होता ही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ही मिड पॉइंट पर है साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता ही मिड पॉइंट पर है तो ये अगर अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बताओ तीसरी से आधी और उसके क्या पैरेलल होती है क्या ये बात सभी लोग बताने की कोशिश करना तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये अपने पास इसके पैरेलल होगी विकास में बताता हूं भाई टेस्ट भी होगा मैं बताता हूं थोड़ा सा पढ़ लो फिर लेते हैं टेस्ट तो यहां से मुझे एक बात बताइए सब लोग मिलकर कि यहां से अगर अपने पास ये दोनों लाइन पैरेलल हैं तो इस लाइन को अगर मैं इधर आगे बढ़ा दूं ये यहां पर जाकर जब मिलती है तो ये कोण अगर नब्बे डिग्री है तो क्या ये कोण भी नब्बे डिग्री होगा क्या क्योंकि अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसमें एक अगर नब्बे हो तो दूसरा हंड्रेड फिर नाइन्टी होगा क्योंकि पैरल लाइन में इंटीरियर एंगल का साम वन डिग्री होता है बोलो ठीक है क्या हाँ तुलसी यही रहेगी भाई फीस लेकिन वो आप तो शुरुआत में ले लिया करो होता क्या है कि देखिए ऑनलाइन का सीधा सिस्टम है भाई मैं आपको बता दूं ऑनलाइन का सीधा सिस्टम है शुरुआत में फीस कम रहती है धीरे धीरे बैच जैसे जैसे नजदीक आता जाता है फीस थोड़ी बहुत बढ़ती जाती है क्योंकि बच्चे फिर ऐसे जैसे जैसे ज्यादा एडमिशन लेते जाते हैं तो लगता है थोड़ा सा ज्यादा भीड़ मत करो इस टाइप का सिस्टम होता है हमेशा हर जगह ऐसा ही होता है ठीक है ना यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं फिर आपको बता रहा हूं फिर आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं ये भी मिड पॉइंट है ये भी मिड पॉइंट है तो आप ये मत सोच लेना मैं ऐसा करता हूं ऐसा ऑनलाइन का सिस्टम मैं बता रहा हूं अभी मेरा तो जैसे आप देखोगे साल भर से ही आपने पास इक्कीस एक बार कर दिया वो पढ़ा रहता है वो लगभग कभी बाई चांस जैसे ऐसा होता है कि यार बच्चे बोल दिए कि सर इस बार होली दिवाली इनको कोई छोटा थोड़, थोड़ा मोट दस परसेंट पांच परसेंट ऐसे ऑफ करता है नही तो वो फिक्स एक कर दिया वो पड़ा ही रहता है है ना मैं ऐसा बहुत कम चांसेस में करता हूं लेकिन वैसे नॉर्मली मैं बता रहा था आपको है ना शिवा नॉर्मली मैं बता रहा हूं मेरा तो फीस फिक्स, फिक्स ही रहता है चाहे बैच स्टार्ट हो उस दिन चाहे बैच शुरू पहले दिन मेरा तो आप देख लो फिक्स ही रहता है भाई यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करो सभी लोग तो ये जो अपने पास है नॉर्मली भाई मैंने जो सिस्टम होता है ना उसकी बात मैंने बताई है इस प्रकार से जो ऑनलाइन सिस्टम चलता है ऑफलाइन सिस्टम अलग दोनों का मतलब अलग अलग है कस्टमर बिहेवियर जो अपने पास वहां पर बैठने वाले लोग उनका बात करने का तरीका भी अलग होगा आपका एक ऑफलाइन आप आओ एक ऑनलाइन आओ ऑनलाइन कॉल करने वाले का तरीका आपके पास हमारे पास तो ऑनलाइन इतनी बड़ी टीम नहीं है तो वैसे नॉर्मली ऐसा ही होता है कि कॉल करो दोनों का मतलब बात करने का और वो आप ऑफलाइन आओगे ऑनलाइन आओगे दोनों का सिस्टम ही अलग अलग होता है ऑफलाइन बिल्कुल फिक्स फीस यानी कि ये फीस है तो ये फीस है ऑनलाइन में फीस ऊपर नीचे जैसे बहुत बार हो जाती है और ऑफलाइन थी क्योंकि मैंने बहुत पढ़ाया है तो वहीं से फिर मुझे लगता है कि यार इसको फिक्स ही पढ़ी रहने दो चलते रहने दो फिक्स ही रहने दो इतनी की इतनी तो देखिए मुझे एक बात बताओ देखो आज की क्लास में बहुत ज्यादा बातचीत हुई है भाई आज की क्लास में थोड़ी सी अपनी बढ़िया क्लास नहीं गई बातचीत ज्यादा हुई है आज की क्लास में बातचीत मत किया करो नहीं तो फिर बढ़िया नहीं रहता ये अगर मैं अपने पास ये यहां से दोनों लाइन पैरल होंगी ये ब्लू वाली इसीलिए मैंने कलरफुल बनाया था आप ये महसूस लेना फ्री में मैंने कलरफुल बना दिया आपके लिए ये देखिए ये अपने पास यहाँ पर नब्बे डिग्री होगा ये चीजें समझाने के लिए मैंने बताई थी आप सोचो कि सर ने सुंदर दिखने के लिए बताया था ये लाइन इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो अपने पास इसके पैरेलल होगी और इसके पैरेलल होगी तो इसको आगे बढ़ाओगे तो ये कौन नब्बे डिग्री है तो ये भी अपने पास कितना डिग्री होगा नाइनटी डिग्री अब ओनली आप लोग ध्यान रखो ध्यान से समझिए ओनली आप लोग ध्यान रखिए डी ई एफ के बारे में मुझे एक बात बताओ आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करना भाई आपके लिए अगर मैं ई एफ की बात करूं तो मुझे एक बात बताओ क्या ये यहां से यहां तक एल्टीट्यूड ही है क्या ओनली मैं ई एफ की बात करूं तो क्या ये यहां से यहां तक एल्टीट्यूड है क्या वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर नब्बे डिग्री का कोण बनाने वाली नब्बे एल्टीट्यूड और एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसी को क्या हम लोग ओर्थो सेंटर बोलते हैं क्या तो जो बड़े वाले ट्राइंगल के लिए एस है वही छोटे वाले ट्राइंगल के लिए ओ होगा याद रखना आप लोग जो ट्राइंगल ए बी सी के लिए ये जो ट्राइंगल अपने पास ए बी सी के लिए एस जो है वो अगर अपने पास ए बी सी का जो एस मतलब सरकम सेंटर अगर अपने पास है परिकेंद्र अगर है तो याद रखना यही ट्राइंगल डीईएफ e, के लिए किसका काम करना शुरू करेगा डीईएफ e, के लिए ओ यानी कि ओर्थो सेंटर का काम करना शुरू कर देता है ये चीज आप लोग याद रखना ये अपने पास लम्ब केंद्र का काम करना शुरू कर देता है तो अभी तक अपने चार तो पॉइंट अपने पास अपने पास ये है यहां पर अभी तक चार तो मैंने आप लोगों को सेंटर्स के बारे में पढ़ाया है एक मैंने आपको बेसिक के बारे में पढ़ाया है कल संडे है कल हमारी क्लास होगी आप लोग कल की क्लास को जो है ना अभी तक जितनी थ्योरी हमारे पांच पॉइंट हो चुके हैं उन सभी को अच्छे से मिक्स करके आओ सब कुछ मिक्स कर लो कि ये भी पढ़ लो वो भी पढ़ लो ये भी पढ़ लिया और फिर हम लोग क्या करते हैं सभी को कल की क्लास में आते ही पहले अलग अलग करेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो याद रखना ज्योमेट्री का मतलब ट्राइंगल ज्योमेट्री अगर आप पढ़ना चाह रहे हो ट्रायंगल अच्छे से समझ लो 70 परसेंट ज्योमेट्री का ट्रायंगल अगर आप समझ शुरुआत में थोड़ा भारी लगता है ये चीज एकदम हैवी लगेगा कि यार इतनी चीजें आ रही हैं इतनी चीजें आ रही है सर क्वेश्चन भी करवाते हुए जा रहे हैं थ्योरी भी बताते हुए जा रहे हैं लेकिन अगले तीन चार दिन अगर आप लोग फिर अपने पास कॉन्ग्रेंसी सिमिलरिटी है तो अपने पास जो आने वाले क्वेश्चन वो आपके क्लियर हो जाएंगे ज्योमेट्री में जैसे सीवीएन है एम पी जी है उसके बारे में हम लोग जरूर देखेंगे लेकिन आप लोग इनको अच्छे से पढ़कर आना दो चार दिन और झेल लोगे तो ज्योमेट्री पूरी फिर बहुत अच्छे से क्लियर होगी तो घबरा मत जाना आप लोग कि सर मिक्स हो रहा है मिक्स हो रहा है होने दो मिक्स आप लोग तो ठीक है ना तो बेसिक और चार सेंटर रिवाइज करके आना कल मॉर्निंग में आठ बजे हम लोग मिलते हैं थैंक यू बाय बाय टेक केयर तनुज वो तो आपके ऊपर है भाई प्रैक्टिस बैच आपके ऊपर आपको चीजें अगर आती हैं तो आप लोग लो अगर चीजें पहले नहीं आती तो पहले इस बैच को कंप्लीट करो और फिर आप लोग प्रैक्टिस बैच में तो प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन कैसे सोल्व करें कैसे टाइम बचा सकते हैं जल्दी कैसे कर सकते हैं जैसे उसमें क्या होगा कि एक पेपर आपसे लिया जाएगा पहले फिर उसको मैं आपको सोल्व करवाऊंगा पच्चीस क्वेश्चन का पहले पेपर आप करोगे और फिर मैं आपको उसको सोल्व करूंगा इस प्रकार से जब बच्चा बैठता है ना क्लास में तो प्रैक्टिस नहीं हो पाती बहुत बार उसकी तो जैसे मेरे साथ साथ अगर 60, 65, 70 पेपर कर लोगे तो फिर आपकी स्पीड बढ़नी शुरू होती है पहले दिन उन क्वेश्चन से डरते हो पढ़ने में ही डर लगता है दूसरे तीसरे चौथे पांचवे दसवें दिन जाके फिर धीरे धीरे आप उनसे फेमिलियर होते हो क्वेश्चन पढ़ने से डर नहीं लगता पहले में हो सकता आपसे तीस मिनट में आप पच्चीस मिनट में पंद्रह ही क्वेश्चन हो लेकिन साठ हुआ पैंसठ हुआ पेपर करोगे तब तक बढ़ जाएंगे ठीक है ना तो आपको चीजें आती हैं तो प्रैक्टिस में आओ चीजें नहीं आती तो पहले यहां से पूरा बैच सीखो और फिर उसके बाद आना थैंक यू बाय बाय टेक केयर ये नहीं होगा जितेंद्र ये पेडल ट्राइंगल नहीं होगा भाई थैंक यू भाई थैंक यू कल मिलते हैं